में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। बिहारी में बिजली की 22-22 घंटे लोड शेडिंग के बाईस शटर डाउन हड़ताल है। मुजाहरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। नून लीग, तहरीके इंसाफ और सरकारी दफातर में तोड़ फोड़ की। मुजाहरीन का कहना है कि लोड शेडिंग से निजाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है, सनअतें बंद हैं और बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे घरों में बिलबिला रहे हैं। मुजाहरीन का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म ना की तो हम बिल देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिजली आती नहीं है लेकिन बिल हद से ज्यादा आ जाते हैं। इसी वाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं विहाड़ी से हाजी जफरुल्ला, जानते कि उनके पास क्या तफसीलात हैं। जी हाजी जफरुल्ला, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि विहाड़ी में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। विहाड़ी में तकरीबन 22 से 23 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ आज सुबह 8-9 बजे लोग बल्दिया के सामने जमा होने शुरू किया और लोगों ने बल्दिया से होते हुए मोहतरमा टर्मिनल द्वारा MLA नवाज अली की उसके दफ्तर पे घराव किया और उसके आपस में तमाम आरोप डाली और उसके बाद उन्होंने आगे और MPA तारकबाल चौधरी के आपस में घराव किया और उसको भी मुकम्मल तौर पर जला दिया गया और उसके साथ ही तरीके इंसान के रहनुमा दिल्ली सदर तारा नवर वाला का दफ्तर लगा, उसको भी आग लगा दी और उसके उसके बाद मुजाहरीन आगे चलते गए और 1-5 के आपस में गया, उसका कार जला दिया और उसके बाद उन्होंने बाबरा आपस का घराव किया और बाबरा आपस का मुकम्मल तौर पर तमाम दीवारों और गेटों को घराकर अंदर दाखिल हो गए और तमाम जो रिकॉर्ड था बाबरा आपस का उसका भी जला दिया गया और तमाम बिल्डों को आग लगा दी गई और बहुत सारे बाबरा एहलकार जो गए ऊपर आग में फंसे रहे और उसके बाद अपनी मदद आपके तहत उन लोगों को वहां से निकाला गया है और उसके बाद इंतजामिया की ना हिली है, ना इंतजामिया ने बिल्कुल कोई ऐसे इंतजाम नहीं किया जिसकी वजह से मुजाहरीन को रोका जा सके और पुलिस तमाशाई बनी रखी है और अभी तक पुलिस ने जब DP ऑफिस का मुजाहरीन ने घराव किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और शहरिंग की और पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, एक बंदे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बाद अभी तक लोग वहां जमा है और लोग अभी के मुजाहरीन जो मुजाहरे कर रहे हैं और तमाम आपस का घराव किए हुए हैं और हजारों की तादाद में लोग लोड शेडिंग से तंग अगर अभी भी यहाँ मौजूद है और पुलिस में और मुजाहरे में अभी हथापाई भी हो रही है और फायरिंग का सिलसिला भी अभी जारी है। बहुत शुक्रिया हाजी जफरुल्ला हमें तफसीलात से आगाह करने का। विहाड़ी में भी लोड शेडिंग की बदतरीन जो कि इस वक्त दुरानिया वहां पर जारी है और इस वक्त वहां पर लोग सरापा एहतजाज हैं, फायरिंग का सिलसिला वहां पर जारी है और इस वक्त पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है।